हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। आज के इस वीडियो में हम इंडिया में जो टॉप 10 एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च किए गए हैं उन सभी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आप सभी को भी पता है कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 8 चीताओं को जो है नामीबिया से मंगवाकर यहाँ पर कुनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रिलीज किया हुआ था, तो दैट वॉज पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोजेक्ट चीता। तो मुझे कई रिक्वेस्ट आ रहे थे कि सर अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट चीता हमें बस चंद ही पता है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो इस तरीके के कई एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी लॉन्च किए हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपसे उन टॉप 10 एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में जो खासकर इंडिया में चल रहे हैं उनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, और अंत में चंद इंपॉर्टेंट से जो डेज हमने एनिमल्स के नाम रखे हुए हैं उसके बारे में भी मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार बता दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस में है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंफॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। सो मूविंग एट द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट और सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट भी आप कह सकते हैं, और दुनिया का भी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट इसे कहा जाता है एज फार एज एनिमल कंजर्वेशन इज कंसर्न, इज प्रोजेक्ट टाइगर। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इसे लॉन्च करवाया हुआ था इन 1973। करंटली इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिस्ट में एंडेंजर्ड स्टेटस इसे दिया गया है। तो सिंस 1973 अब तक लेकर इनकी तादाद में बहुत ही अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली हुई है। 2967 अप्रोक्सीमेटली एज ऑफ नो इंडिया में टाइगर्स हमें देखने को मिलते हैं, और 2004-05 में भी हमने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वो एस्टैब्लिश की हुई थी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा भी उसे हमने दिया हुआ था ताकि वो उस प्रोजेक्ट टाइगर को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर सके। सो करेंटली टाइगर रिजर्व इंडिया में कितने हैं, 53 करेंटली टाइगर रिजर्व हैं। सबसे पहला टाइगर रिजर्व जो इस प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया था, दैट वाज जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व विच इज इन उत्तराखंड, एंड द लेटेस्ट वन, द 53rd टाइगर रिजर्व दैट वाज रिकॉग्नाइज्ड वाज गुरु घासीदास नेशनल पार्क एंड तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज इन छत्तीसगढ़। एंड मूविंग एट जो टॉप 3 स्टेट्स जहां पर हमें नंबर ऑफ टाइगर्स देखने को मिलते हैं, द फर्स्ट वन इज मध्य प्रदेश इज टॉपिंग द लिस्ट विद 526 टाइगर्स, कर्नाटक अप्रोक्सीमेटली 524 एंड उत्तराखंड 442। The second most important ambitious animal conservation project undertaken by Government of India is actually Project Elephant. देखिए ये सभी projects जो हैं वो Ministry of Environment, Forest और Climate Change ही undertake करता है। So 1992 में से launch किया गया था। So currently IUCN का status elephant को लेकर endangered है, खासकर Indian species की अगर हम बात करें तो currently India में elephants का population is around 29,964 और 32 recognized elephant reserves पूरे देश भर में हमें देखने को मिलता है। पहला elephant reserve जो इस प्रोजेक्ट के अंडर रिकॉग्नाइज किया गया था, दैट वाज सिंघभम एलिफेंट रिजर्व ऑफ झारखंड, और लेटेस्ट जो एलिफेंट रिजर्व रिकॉग्नाइज किया गया था दैट वाज अगस्त्यमलाई इन द तमिलनाडु। And the top 3 states in terms of number of elephants which are hosting, first is Karnataka. Karnataka में बहुत ही ज्यादा elephants हमें देखने को मिलते हैं, 6049 approximately. Assam में लगभग 5719 and Kerala में 3054 tigers हमें देखने को, elephants हमें देखने को मिलते हैं। The third most important animal conservation project undertaken was a project Rhinoceros. वैसे तो इसे 2005 में Ministry of Environment, Forest और Climate Change ने लॉन्च किया हुआ था, लेकिन रिसेंटली भी भारत सरकार ने एक और इंपॉर्टेंट सा डिसीजन लिया था 2020 में टू लॉन्च इंडियन राइनो विजन 2020। सो करेंटली अगर वन हॉर्न राइनो जो इंडिया में ज्यादातर पाए जाते हैं उनका स्टेटस IUCN का देखे तो इट इज एक्चुअली वल्नरेबल, और करंट इंडिया में उनकी पॉपुलेशन लगभग 2900 के आसपास है और वर्ल्ड में अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 3600 राइनोस ही हमें देखने को मिलेंगे। सो अपार्ट फ्रॉम टाइगर, राइनो इज वन सच एनिमल विच इज एक्चुअली एंडेमिक टू इंडियन सबकॉन्टिनेंट। कंजर्वेशन के भी इसके कई एफर्ट्स हमें ज्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में ही हमें राइनोसोरस देखने को मिलता है, तो ज्यादातर कंजर्वेशन एफर्ट्स भारत सरकार नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ मिलकर ही कर रही है। सबसे पहला तो असम में ही ये ज्यादातर प्रोजेक्ट्स हैं, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ रिजर्व, राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क, खाजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस नेशनल पार्क, और इन सभी में से भी खाजीरंगा नेशनल पार्क हम सभी को भी पता है जहां पर वन हॉर्न राइनोस का कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम वगैरह चल रहा है। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन। यस, हमें कई स्पीशीज ऑफ क्रोकोडाइल्स इंडिया में देखने को मिलते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल घरियाल है, मगर की भी हम बात करते हैं, इंडियन मगर, साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। सो ये भी 1975 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था और भारत सरकार अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा ने इसे बहुत ही एम्बिशियसली लॉन्च किया हुआ था, क्योंकि ज्यादातर हमें क्रोकोडाइल का पॉपुलेशन ओडिशा के रीजन में ही देखने को मिलता है। सो 23 आज तक हमें क्रोकोडाइल स्पीशीज, अलग अलग स्पीशीज जो देखने को मिले हुए हैं,
हैं, ज्यादातर इंडिया में भी वो पाए जाते हैं। तो उसमें से 7 स्पीशीज क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 4 वल्नरेबल हैं और 12 लीस्ट रिस्क में पाए जाते हैं। तो कंट्री का पहला घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर जो है वो नंदन कनन जूलॉजिकल पार्क में बनवाया गया था। और कंजर्वेशन एफर्ट जो थे वो इनिशियली क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो थे वो ओडिशा के सटकोसिया जॉर्ज सेंचुरी में स्टार्ट किए गए थे, और बाद में दोनों इंटरनेशनल एजेंसीज, एक तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर इसे एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया गया था, जिसके तहत प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन आगे बढ़ाया गया। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट वल्चर। हम सभी को देखने के लिए बहुत ही आम ये जानवर दिखता है, लेकिन इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। ये नेचुरल स्कैवेंजर्स की तरह भी काम करते हैं, डेड बॉडीज पर ये ज्यादातर फीड करते हैं। तो नो डाउट उस रिसाइकलिंग प्रोसेस में एनवायरमेंट के वल्चर्स बहुत ही क्रूशियल सा रोल प्ले करते हैं। तो 2006 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट वल्चर लॉन्च किया हुआ था, एंड अगेन रिसेंटली भी 2020 में वल्चर कंजर्वेशन प्लान 2020-25 5 साल का प्लान भी हमने लॉन्च किया हुआ था। तो IUCN के स्टेटस के हिसाब से यहां पर क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो खासकर स्पीशीज इंडिया में पाई जाती है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड माना जाता है। तो इंडिया इज होम टू 9 स्पीशीज ऑफ वल्चर, बट मोस्ट ऑफ देम फेस डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। सो करंट वल्चर पॉपुलेशन इंडिया में सिर्फ 19,000 का ही है। सो क्या क्या हमने कंजर्वेशन एफर्ट्स इस प्रोजेक्ट के तहत किए हुए थे? एक कंजर्वेशन वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग प्रोग्राम जो कि सेंट्रल जू अथॉरिटी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी वालों ने मिलकर लॉन्च किया हुआ था, और दूसरा एक बड़ी अनोखी वजह भी हमें दिख रही थी कि वल्चर्स ऑल ऑफ अ सडन मर जा रहे थे पूरे देश भर में। तो 2001 पिंजोरे हरियाणा के रीजन में भी हमने एक वल्चर केयर सेंटर जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके तहत वहां पर हम रिसर्च कर रहे थे कि कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं वल्चर्स के ऑल ऑफ अ सडन डेथ के। मूविंग अहेड, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल कंजर्वेशन प्रोग्राम और प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट रेड पांडा। ये हम में से कई लोगों को पता नहीं, लेकिन रेड पांडास इंडिया में पाए जाते हैं। इमेज आप यहाँ पर देख सकते हैं, खासकर अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग के रीजन में, हिमालयन माउंटेनियस रीजन में वो ज्यादातर पाए जाते हैं। एंड यस, दरअसल सिक्किम का स्टेट एनिमल भी होता है बच्चों, रेड पांडा। सो 1966 में हमने प्रोजेक्ट रेड पांडा लॉन्च किया हुआ था। एज ऑफ नाउ इंडियन रेड पांडा की हम बात करें तो IUCN के स्टेटस में उसे एंडेंजर्ड का दर्जा दिया गया है, और करेंटली वर्ल्ड वाइड बहुत ही कम इनका पॉपुलेशन है, सिर्फ 10,000 के आसपास ही हमें एक्सोटिक स्पीशीज देखने को मिलते हैं। सो कंजर्वेशन एफर्ट्स जो थे वो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में ही पद्मजा नायडू हिमालयन वाइल्ड लाइफ पार्क में स्टार्ट किए गए थे, और करेंटली सिक्किम अरुणाचल प्रदेश के स्टेट्स में बहुत ही जबरदस्त से ये प्रोजेक्ट रेड पांडा चल रहा है। एंड नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इज प्रोजेक्ट गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। आप सभी को भी पता है कि हमारे इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कहा जाता है गैंजेस रिवर डॉल्फिन को, और दुनिया के 4 फ्रेश वाटर डॉल्फिन में से ये एक माना जाता है। सो 1986 में हमने इसे लॉन्च किया हुआ था इस प्रोजेक्ट को। करंट गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन का स्टेटस एंडेंजर्ड है IUCN की लिस्ट में, और इंडिया में जो है ना वो लगभग 3,000 के आसपास ही रिवर गैंजेटिक डॉल्फिन का पॉपुलेशन हमें देखने को मिलता है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज वालों ने ऑलरेडी नेशनल एक्वेटिक एनिमल की तरह इसे अनाउंस किया, यानी कि उसे ऑलरेडी एक दर्जा दिया जा रहा है, उसे नेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज किया जा रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, गंगा और ब्रह्मपुत्र के रिवर्स में ही हमें ये ज्यादातर देखने को मिलते हैं। बहुत ही प्लेफुल, बहुत ही अच्छे खासे यू नो बीइंग्स से माने जाते हैं। सो 4, जैसे कि मैंने कहा, एक तो गैंजेस डॉल्फिन है, दूसरा बाईजी जो कि यांगस्टे कियांग चाइना में पाए जाते हैं, बुलान जो के पाकिस्तान के इंडस रिवर में, तीसरा बोटो जो के अमेजॉन साउथ अमेरिका के रिवर में पाए जाते हैं। तो ये 4 ऐसे स्पीशीज हैं फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स के। लगभग ज्यादातर हमारा पॉपुलेशन जो डॉल्फिन्स का है वो उत्तर प्रदेश में ही है, यूपी में, क्योंकि गंगा वहीं से ज्यादातर बहती है। तो 1272 डॉल्फिन्स वहां पर पाए जाएंगे, और असम में 962। इनका भी नंबर थोड़ा बहुत ड्विंडलिंग हो रहा है, एंड इवन नमामि गंगे प्रोजेक्ट में, यू नो क्लीन गंगा के प्रोजेक्ट में भी हमने ये ध्यान रखा हुआ है कि कहीं गैंजेटिक डॉल्फिन के रहन सहन में उन्हें किसी भी तरीके का प्रॉब्लम यहां पर ना हो। प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, यस स्नो लेपर्ड्स भी हमारे हिमालयन टेरेंस में ज्यादातर पाए जाते हैं। तो 2009 में हमने प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड लॉन्च किया हुआ था। करंटली इंडिया में जो स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं उसका स्टेटस वल्नरेबल है। तो लगभग इंडिया में आसपास 400 से 600 के बीच हमें ये स्नो लेपर्ड्स देखने को मिलेंगे, यानी कि लगभग 500 अप्रॉक्सिमेटली। तो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम भी जो था वो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग रीजन में ही शुरू किया गया था, एट पद्मजा नायडू हिमालयन वाइल्ड लाइफ पार्क इन इंडिया। तो रफली 4,500 से 7,500 के बीच ही इनका पॉपुलेशन पूरी दुनिया में देखने को मिलता है। ये भी वन ऑफ द मोस्ट एक्सोटिक स्पीशीज है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ये परिंदा दरअसल हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए बहुत ही एंडेमिक है, और सऊदी अरेबिया के रीजन में भी हमें ज्यादातर देखने को मिलता है, लेकिन न्यूज चैनल्स में भी बहुत ही छाया होता है, रेकलेस शूटिंग्स इसके किए जाते हैं।
कई जगह पर हंट किया जाता है इन्हें फॉर प्लेइंग पर्पस भी, तो पूरी तरीके से इंडिया में तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड ये बन चुके हुए हैं। राजस्थान के रीजन में हमें ज्यादातर ये देखने को मिलते हैं, साउथ इंडिया में भी, रायलसीमा के रीजन में भी हमें ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स देखने को मिलते हैं। सो 2013 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था, करंटली अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 200 ही इनका पॉपुलेशन माना जा रहा है। और कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने हैबिटेट इंप्रूवमेंट और कंजर्वेशन ब्रीडिंग ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच के नाम से ये पूरा प्रोग्राम जो है वो चला रहे हैं। प्रोजेक्ट चीता अभी हम सभी को भी पता है कि रिसेंटली लॉन्च किया गया था 2022 में, तो करंटली उनका IUCN स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है वर्ल्ड वाइड, क्योंकि ये इंडिया में तो ऑलरेडी 1952 में ही एक्सटिंक्ट हुए थे। 1952-1954 वाज द लास्ट व्हेन वी सॉ चीता। अभी रिसेंटली नमीबिया से 8 लाख छोड़े गए हैं, एंड रिसेंटली 2020 में भी एक एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था, एक्शन प्लान फॉर इंट्रोड्यूसिंग चीतास इन इंडिया। तो उसके तहत हमने डिसीजन लिया कि 50 चीताओं को जो है आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स तक हम अलग अलग नेशनल पार्क में उन्हें रिलीज करेंगे, उनका ब्रीडिंग प्रोग्राम वगैरह भी करेंगे। तो होप कि जल्द से जल्द ये सक्सेसफुल हो जाए और वापस से उनके हिस्टोरिकल रीजन में इंडिया में जहां कहीं पर भी चीतास पाए जाते थे वो वापस से इसे अपना घर बना ले। करंटली इनका पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड में 6517 के आसपास ही देखने को मिलता है। सो ये टॉप 10 एनिमल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स थे। चंद इंपॉर्टेंट से डेज जो इन एनिमल से रिलेटेड है, सबसे पहला तो 29th ऑफ जुलाई हम इंटरनेशनल टाइगर डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, 12th ऑफ ऑगस्ट इज वर्ल्ड एलिफेंट डे, 22nd ऑफ सितंबर इज वर्ल्ड राइनो डे, 17th ऑफ जून इज वर्ल्ड क्रोकोडाइल डे, 14th ऑफ अप्रैल इज नेशनल डॉल्फिन डे, 23rd ऑफ अक्टूबर इज इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, और सितंबर का हर फर्स्ट सैटरडे हम इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं, और सितंबर का हर थर्ड सैटरडे हम इंटरनेशनल डे ऑफ रेड पांडा की तरह ऑब्जर्व करते हैं, और हर साल 4th ऑफ अक्टूबर वी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे, एंड 3rd ऑफ मार्च वी सेलिब्रेट एज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो ये चंद इंपॉर्टेंट से इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डेज हैं जो इन एनिमल्स के नाम किए गए थे। वीडियो पॉइंट करने से पहले आपको एक और बार याद दिला दूं कि SSB क्रैक एग्जाम्स के पास SSB इंटरव्यू से रिलेटेड भी फुल फ्लेज्ड ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा, एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका, आप जाकर जरूर डाउनलोड करें और हमारे बाकी के कोर्सेज भी चेकआउट करें। एंड Warrior 10 इज अ कोड विच यू शुड यूज सो दैट यू गेट 10% डिस्काउंट। मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। अंटिल देन स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। जय हिंद।